मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की ये वीडियो सारे माता पिताओं के लिए है। तो शुरू करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि तीन पिताओं की मृत्यु हो गई, वो यमराज के पास गए। यमराज ने पूछा कि मुझे एक कारण ऐसा बताओ कि तुम्हें स्वर्ग क्यों मिलना चाहिए। एक पिता ने बोला कि मैंने अपने बच्चे को सारा धन दे दिया है, दूसरी ने बोला कि मैंने उसे अपनी पोजीशन दी है, वो राजा था तो राजा का बेटा भी राजा ही बनता है, और तीसरे ने बोला कि मैंने सिर्फ उसे संस्कार और गुड मैनर्स दिए हैं। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि यमराज ने स्वर्ग संस्कार वाले को ही दिया होगा, गुड मैनर्स वाले को ही दिया होगा, क्योंकि जिस बच्चे के पास गुड मैनर्स हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो इन दोनों चीजों को ही अपने आप से हासिल कर सकता है, दैट इज पोजीशन और मनी को। इस वीडियो का मेन मकसद यही है, ये बताने के लिए कि जिस तरीके से माता पिता बार बार बच्चों पे सवाल उठाते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, उसी तरीके से माता पिताओं को भी अपना काम ठीक से करना चाहिए। दैट इज कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो जितनी गलती इस चीज में बच्चे की है, उतनी ही गलती माता पिता की भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों को आदत नहीं दिलवाई पढ़ाई करने की, और तभी बच्चों को आगे जिंदगी में जाके प्रॉब्लम होती है, उन्हें उनसे इतनी देर तक पढ़ा नहीं जाता। अगर आदत डलवानी ही है तो बच्चे को इस चीज की आदत डलवाओ कि रोज एक घंटा पढ़ाई करनी है, और उसी के साथ साथ एक घंटा पढ़ाई करते करते बच्चे का धीरे धीरे उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा और उसे भी पढ़ाई पसंद आने लगेगी। पर अगर बच्चे को कभी आदत ही नहीं डलवाई गई पढ़ाई करने की, तो उसे 5 मिनट भी पढ़ना सर दर्द लगेगा। तो अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो उस बच्चे को डांटना जरूरी नहीं है, उसको प्रोत्साहित करके उसको समझाना जरूरी है कि पढ़ाई उसके लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चा ये बात खुद से समझ जाएगा कि अगर वो पढ़ाई उसके लिए जरूरी है तो वो जरूर पढ़ेगा। माता पिताओं को चाहिए कि वो बच्चों को सिर्फ डांटे ना, मंजिल की तरफ ही ध्यान ना दें कि 100 मार्क्स लाने हैं, 100 मार्क्स लाने हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ता भी दिखाएं कि रोज एक घंटा पढ़ोगे तब जाके कहीं तुम्हारे इतने मार्क्स आ पाएंगे। शुरुआत में माता पिता को बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, एक घंटा उसे रोज पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो कहीं पहुंच पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। गीली मिट्टी कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे घड़ा बनना है या मुझे बर्तन बनना है किसी और शेप का। क्या गीली मिट्टी ये स्पेसिफाई करती है कि मुझे क्या बनना है? नहीं ना। उसी तरीके से बच्चे भी गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जिस तरीके से ढालोगे वो उसी तरीके से ढल जाएंगे। तो आदतें बच्चों को लगेंगे नहीं, अपने आप से लगवानी पड़ेंगी। तो बिल्कुल इसी लॉजिक से अगर बच्चों को सही रास्ता ना दिखाया गया, सही राह नहीं दिखाई गई, अच्छे मैनर्स नहीं सिखाए गए, संस्कार नहीं सिखाए गए, तो फिर वो गीली मिट्टी गीली ही रह जाएगी और उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो पाएगा, कुछ भी बर्तन घड़ा कुछ नहीं बन पाएगा। तो माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों को सिर्फ ब्लेम ना करें कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको बैठ के एक घंटा पढ़ाई करवाएं। कि बोलना तो बहुत आसान है, अगर एक घंटा कोई बच्चे के साथ नहीं बैठेगा तो बच्चा भी आवारागर्दी ही करेगा ना। क्योंकि इस गीली मिट्टी का भी सही उपयोग तभी हो सकता है जब इसे किसी बर्तन या घड़े में ढाला जाए, तभी जाके तो ये किसी काम आएगी। तो मेरी सभी माता पिता से गुजारिश है कि अपने बच्चों को सिर्फ मंजिल मत दिखाओ, उन्हें रस्तों पे चलना भी सिखाओ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।